बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। गृह मंत्री ने आदेश क्या दिया, पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है वो चुप बैठ गई। गृह मंत्री ने अच्छा काम किया कि जो ट्रैफिक चालान बंद करवा दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इसका गुपचुप विरोध इस तरीके से शुरू कर दिया है कि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पर ही ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि गृह मंत्री ने जनहित में चालान काटने की अनुमति नहीं दी है और साथ ही जो चालानी धारा थी उसको भी खत्म कर दी। ट्रैफिक पुलिस को भी लगता है कि अब जब दोनों धारा ही नहीं रही तो वो काम क्या करेंगे। ऐसे में लोग अब ट्रैफिक से जूझ रहे हैं और अपने अपने तरीके से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है। अगर भगवान भरोसे ट्रैफिक की व्यवस्था चल रही, जिले के कप्तान जो पुलिस कप्तान है उनका भी ध्यान इस ओर नहीं। केवल अगर ध्यान है पुलिस कप्तान का तो वो हाईकोर्ट रोड में, क्योंकि जस्टिस वहां से आते जाते हैं, इसलिए उस रोड जो है पुलिस कप्तान ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शहर में आम जनता जो है उसमें ट्रैफिक जो व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई है उस पर कोई ध्यान नहीं है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है, इस मामले में जिले के कप्तान भी पुलिस कप्तान भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आम लोग ट्रैफिक व्यवस्था से परेशान है। केवल हाई कोर्ट की ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ ट्रैफिक पुलिस का ध्यान है। बिलासपुर से एक रिपोर्टर शैलेंद्र पटेल।